गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी निकालो, उसमें आज हम पेपर स्टाइल देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट ए, स्वर हिंदी में लिखिए। ये जो मूलाक्षर है स्वर के, वो आपको गुजराती में दिए होंगे, जैसे कि क, तो आपको क हिंदी में लिखना है, ग तो ग हिंदी में लिखना है, वैसे ठीक है। फिर क्वेश्चन फर्स्ट बी, हिंदी अंक के सामने हिंदी शब्द लिखिए। हिंदी अंक दिए होंगे एक, तो आपको सामने एक लिखना है शब्द में, ओके वैसे करना है। फिर क्वेश्चन फर्स्ट सी, नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए। जैसे कि आपको ख दिया हो तो ख से शब्द बनता है खरगोश, खल, वैसा शब्द बनाने है। वैसे ही मूलाक्षर के शब्द दिए होंगे अक्षर, उसमें से आपको शब्द बनाने है। फिर क्वेश्चन टू ए, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदले। लड़का तो लड़की, वैसे ही आपको वचन बदलने है। एक वचन में होंगे तो आपको बहुवचन करने है। क्वेश्चन टू बी, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदले। राजा तो रानी, वैसे ही आपको करना है। फिर क्वेश्चन टू सी, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो शब्दों के अर्थ लिखने हैं, जैसे कि पानी तो जल, वैसे ही दो तीन शब्द दिए होंगे उसके अर्थ लिखने है। फिर क्वेश्चन टू डी, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी लिखना है, विलोम शब्द, छोड़ना तो पकड़ना, आज तो कल, वैसे ही। क्वेश्चन थ्री ए, कोष्टक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। तो कोष्टक में दो दो शब्द दिए होंगे, उसमें से चॉइस करके आपको खाली जगह भरनी है। फिर क्वेश्चन थ्री बी, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो काव्य पंक्ति आपको पूर्ण करनी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन थ्री सी, हाथी के बारे में दो वाक्य लिखिए। हाथी के बारे में आपको दो सेंटेंस लिखने है। फिर क्वेश्चन फोर ए, निम्नलिखित शब्द से वाक्य बनाइए। यहाँ शब्द दिए होंगे, उससे आपको सेंटेंस बनाने है। क्वेश्चन फोर बी, निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब एक शब्द में दीजिए। तो आपको एक शब्द में आंसर लिखना है। क्वेश्चन फाइव ए, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो आपको गुजराती में अनुवाद करना है, जैसे कि यह खटिया है तो आ खाटलो छे। फिर यह साइकिल है तो आ साइकिल छे, वैसे ही सिंपल सेंटेंस दिए हो कि उसका आपको गुजराती करना है। क्वेश्चन फाइव बी, अनुलेखन कीजिए। तो आपको अच्छे अक्षर से सेंटेंस लिखने है, देख देख कर, ओके। थैंक यू।